हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो में प्रोडक्ट हम रिव्यू करने वाले हैं जेबल की तरफ से आने वाली हेडफोन जिसका नाम है एंड्रेंस रन। इसका कीमत है दोस्तों 880 रुपये। फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आप इसको परचेज इजीली कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा एक हेडफोन है। अगर आप एक गेमिंग लवर है या फिर आप गेमिंग के लिए हेडफोन ढूंढना चाहते हैं तो आपके बजट के लिए काफ़ी अच्छी हेडफोन है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर्स है और इसका बेस कैसा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सामने की तरफ की पैकिंग आती है दोस्तों जेबल ब्रांडिंग की। यहाँ पर लिखा है जेबल बाय हरमन और यहाँ पर इसका नाम दिया गया है एंड्रेंस रन और कुछ शॉर्ट में इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे फ्लिप पॉक है, स्वेट प्रूफ है, आपका फ्लिप हुक वगैरह ये दूसरे लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में है शायद। और इसके मैग्नेटिक जो ये पिक आते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि आपका ब्लूटूथ ईयरफोन का होता है। ये दोस्तों एक हेडफोन है और बैकग्राउंड में इसका मॉडल नंबर दे रखा है जेबल एंड्रेंस, ब्लैक कलर का है ये। और आपको यहाँ पर दे रखा है कि हेडफोन थियरी पीस वगैरह मिलता है और कीमत है 1599, लेकिन 800 से 900 रुपये का आपको इजीली ये मिल जाता है। और अगर आप इसकी वारंटी जरूर इसका रजिस्टर करेंगे तो ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको इसकी वारंटी जो होती है रजिस्टर करनी पड़ेगी। और शॉर्ट में यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि भैया हैंड्स फ्री कॉल्स आप यहाँ से इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक है और फ्लिप हुक टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है, यानी कान के पीछे वाली जो टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर इसमें कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है। काफ़ी अच्छा इसका पैकिंग आता है और ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है। इसको यहाँ से करते हैं अनबॉक्स, ये कुछ इस तरीके से फ्लिपता होता है, मैग्नेटिक के साथ ही आता है और इस तरीके का ये पैकिंग होता है। जेबल के हेडफोन आप जानते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी के ये देखने को मिलते हैं और इसी तरीके से ये पैकिंग में भी आता है। और यहाँ से ये है दोस्तों, यहाँ पर एक प्लास्टिक का ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से इसको करते हैं फ्लिप ओपन, इसको टेपिंग है इसमें, इसको यहाँ से हटाते हैं इस तरीके से और ये आ जाता है पूरा इस तरीके से साइड में। और फिर ये आता है यहाँ पर गत्ता जो फॉर्म के उसमें आ जाता है। और इसमें आपको और ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता है, ये थ्री पीस मिलते हैं, साइज़ छोटा बड़ा इसमें दे रखा है इन्होंने। और एक आपको ये कुछ बुकलेट्स वगैरह जो चाइनीज़ में दिया हुआ है जो आपके किसी काम का नहीं होने वाला है, और इसमें भी थोड़ा बहुत ये जानकारी आपको दे रखा है और ये भी चाइनीज़ लैंग्वेज में, ये देख लीजिए किसी काम का नहीं है, तो इसको साइड रखते हैं। पैकिंग तो काफ़ी कमाल की है और पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से इसका हेडफोन आता है। करते हैं इसको, खोलते हैं किस तरीके से, देखिए। और ये कुछ इस तरीके से आपको इसमें पिंच करना पड़ेगा बैक से, फिर ये आगे की तरफ आएगी। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी तो इसकी बहुत बढ़िया दिख रही है। पैकिंग तो भी काफ़ी हार्ड कर रखी है इन्होंने। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से खुल जाएगा, ये देखिए। अगर आप इसको दोबारा पैक करने की सोच रहे हो तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए आप, इसका जो बड्स आता है कुछ इस तरीके से ये पैकिंग में आता है, रबड़ की पैकिंग है। और इनका जो होता है दोस्तों ये सीन, ये देखिए यहाँ पर जो इसके फीचर्स हैं, ये आपका मैग्नेटिक है और जो पीछे की तरफ है रखा वो रबड़ की है और पीछे की आती है जेबल की ब्रांडिंग इसमें। ऑब्वियसली आपको जेबल की ब्रांडिंग तो मिलेगी इसमें। और ये मैग्नेटिक है, अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आराम से चिपक जाता है। और सबसे अच्छी और बात भी है इसकी, आइस का कोई भी लेफ्ट राइट नहीं है, मतलब आप लेफ़्ट को राइट में यूज़ कर सकते हैं, राइट को लेफ़्ट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखा है, थोड़ा फोकस, ये देखिए LR और यहाँ पर भी LR, मतलब आप लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पाउस बटन, मतलब आप इसको प्ले पाउस बटन भी कह सकते हैं, इसमें और कुछ है नहीं। इसमें लॉन्ग प्रेस रखने से आपका जो वॉइस असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा बाकी। और यहाँ पर इसका माइक दे रखा है, अगर आप कॉलिंग वगैरह भी करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलता है आपको, अच्छी बात यह है कि जो 3.mm का जैक है, 3.5mm का जो ये कर्व में दे रखा है, ताकि जब भी आप हेडफोन को ऐसे तरह से मोड़ते हैं तो यहाँ से ये ब्रेक नहीं होगी। यहाँ से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बढ़िया इसका हेडफोन आता है। और जो इसका फ्लिप हुक वाला जो आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्लिप हुक जो टेक्नोलॉजी है, मतलब इस तरीके से होता है कि कान को आपने इस तरीके से ऊपर रखना है और इस तरीके से आप इसको लगाना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे अगर आप एक गेमिंग के लिए हेडफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी कमाल का ऑप्शन हो सकता है, 800 से 900 रुपए के अराउंड ये आ जाता है। और पबजी की साउंड की क्वालिटी इसकी काफ़ी कमाल की होती है। आगे आपको एक टेस्ट दिखाता हूँ, आपको मतलब सैंपल दिखाता हूँ कि कैसे इसमें हेडफोन में साउंड आते हैं एनिमीज़ की, जिससे आप अच्छे से इसको रेगुलेट कर सकते हैं।
killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Fire! Killing spree for the blue team! बात करते हैं इसके म्यूजिक बेस की, तो म्यूजिक बेस काफ़ी कमाल है। अगर आप इसमें 3D साउंड सुनते तो ऐसा लगता है जैसे धमाका बज रहा हो। तो साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बेस क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी है। और अगर आप एक गेमिंग लवर है, पबजी के लिए लेना चाहते हैं, तो गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छी हेडफोन ये हो सकती है। सो गाइस, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में। ओके बाय टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।